हाय बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का सबसे लास्ट टॉपिक। और उसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ये तीन टॉपिक होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, टेंजेंट इंटरसेक्टिंग द कर्व इटसेल्फ, और कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाएंगे और हर टॉपिक पर सवाल जो प्रीवियस ईयर का भी कुछ होगा उसको भी क्लियर करते जाएंगे। बच्चों, आप लोग से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम लोग एक एक टॉपिक। पहला टॉपिक देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व is always along their common normal। ठीक है, मतलब क्या है, मान लीजिए दो कर्व है, एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो इस दोनों के, पहले यहाँ पर एक मान लेते हैं टेंजेंट है और यहाँ पर भी एक टेंजेंट है। इस दोनों टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वही होगा कॉमन नॉर्मल। ये होगा बच्चों कॉमन नॉर्मल, ठीक है, और ये सब टेंजेंट है टी। तो इस लाइन के अलोंग मेजर होगा कॉमन नॉर्मल। ये दो पॉइंट है ए और बी, और ये दो कर्व है y इक्वल टू एफ वन एक्स और y इक्वल टू एफ टू एक्स। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग डेरिवेटिव से भी सॉल्व करते हैं और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग कैटेगराइज्ड करते हैं किस किस टाइप का सवाल आएगा। ठीक है, जैसे इस तरह का सवाल कि इफ टू कर्व्स आपको दिया रहे, टू कर्व्स आर गिवन, यहीं से कैटेगराइज्ड करते हैं हम लोग। इसी में पहला सेक्शन ए है जिसमें दो कर्व दिया रहता है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए y इक्वल टू एफ वन एक्स एक कर्व है, तो m निकालेंगे हम लोग एफ वन एक्स का, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है, dy वाई बाई डी एक्स या m जो बोल लीजिए ऑफ एट x1 y1 ऑफ एफ वन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स एट एक्स टू एट। या तो मतलब टेंजेंट को बराबर कर दीजिए, टेंजेंट का वैल्यू इस दोनों पॉइंट पर, या नॉर्मल का वैल्यू बराबर कर दीजिए। मतलब ये जो चीज़ है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट एक्स वन वाई वन, ठीक है, कर्व एफ वन एक्स पर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है एक्स टू वाई टू पर, और कर्व एफ टू एक्स पर। ठीक है, तो या तो टेंजेंट को बराबर कर दीजिए या नॉर्मल को बराबर कर दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन ऑफ एफ वन एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स टू वाई टू ऑफ एफ टू एक्स। तो इस तरह में दो कर्व के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, यहाँ से एक रिलेशन आएगा और जहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरह के कैटेगरी में होगा बच्चों, लाइन एंड सर्कल। ठीक है, लाइन एंड सर्कल में मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये कोई लाइन है, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है और सर्कल से जो नॉर्मल पास होगा वो सेंटर से होके पास करेगा। इन केस ऑफ सर्कल, कॉमन नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, ओके, इसको इरेज करते हैं बच्चों और इसी में अगला कैटेगरी देखते हैं।
मान लीजिए कोई लाइन और कोई कर्व है, कोई कर्व है और कोई लाइन है। ये कर्व सर्कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर्कल के लिए तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब कोई कर्व है y इक्वल टू एफ वन एक्स, और ये कोई कर्व है, ये मान लीजिए कोई कर्व है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस पर एक पॉइंट मान लिए हम लोग एक्स वन वाई वन। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल डालें जो इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर जो इस पॉइंट पर टेंजेंट है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ लिया, ठीक है। या तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और इस पॉइंट का इस लाइन का स्लोप बराबर कर देंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स एट एक्स वन वाई वन, और ये बराबर हो जाएगा इस लाइन का स्लोप और होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, इसके बराबर कर देंगे तो इससे भी सॉल्व होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तब क्या है, मान लीजिए कि अब एक और स्पेशल केस देखते हैं बच्चों। ये तो हो गया सी, एक डी डी पार्ट को भी देखिए थोड़ा, कि इफ वन इक्वेशन वन कर्व इज सर्कल एंड अदर इज एनी टू डायमेंशनल कर्व, और वो कर्व क्या क्या हो सकता है, वो सर्कल इटसेल्फ भी हो सकता है, वो पाराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम प्रीफर करेंगे कि आप इसमें जो है कैलकुलस का यूज नहीं करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कीजिए। अप्लाई पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल फॉर अदर कर्व, मतलब एक कर्व सर्कल है और एक कोई अदर कर्व है, और ये वेल नोन कर्व है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। उस कर्व पर पैरामेट्रिक फॉर्म में आप एक नॉर्मल का इक्वेशन लिख लीजिए, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। और उसको सर्कल के सेंटर से पास करा दीजिए, ये सर्कल का सेंटर है, उस पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेंटर के सर्कल से पास करा दीजिए। तो यहाँ से आपका ये मान लीजिए वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये x1 y1 है, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ से c तक का दूरी डिस्टेंस फार्मूला से यूज कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है उसको इसमें माइनस कर देंगे, यानी सी पी माइनस इसको ए मान लीजिए, आर सी पी माइनस सी ए, यानी सी पी माइनस आर, यही हो जाएगा मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और एक लास्ट और भी देख लेते हैं बच्चों, ई नंबर का टॉपिक, कि अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है एक्स वन वाई वन, और इस सर्कल से इस पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है, तो क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका सेंटर है यहाँ अल्फा बीटा, और इसका रेडियस है आर। तो आप देखिए जो पी ए होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट का यूज हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो अब यहाँ से देखिए, ये जो पी ए है मिनिमम डिस्टेंस, ये हो जाएगा पी सी माइनस सी ए, ठीक है। और पी सी जो है वो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, और पी सी ए जो है वो रेडियस है, तो पी सी माइनस आर। और जो इसको आगे आप बढ़ा देंगे, तो ये मान लीजिए पॉइंट है बी, जो इसी का जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो जो पी बी होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और वो क्या हो जाएगा, पी सी प्लस सी बी, पी सी प्लस सी बी, यानी पी सी प्लस आर, ठीक है बच्चों। तो इतना टाइप से हम इसको कैटेगराइज किए हैं। अब इस पर जब सवाल आएगा तो हम लोग उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब इस पर हम लोग सवाल देखते हैं।
देखते हैं बच्चों इसमें पहला नंबर सवाल, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन आपको दिया है ठीक है, और ये कर्व देखिए एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स वाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू वन, यानी एक्स स्क्वायर बाय रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है। ये एक इलिप्स है जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इस पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना देते हैं ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया आपका माइनस रूट प्लस रूट सिक्स जीरो, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया जीरो और रूट थ्री, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। अब एक लाइन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, तो पक्का है कि ये लाइन ऐसे गुजरेगा, ये होगा सेवन जीरो और ये होगा जीरो सेवन। बोलता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, आप देखिए इस फोटो जो हम लोग रफ डायग्राम खींचे हैं उसके हिसाब से ये जो पॉइंट होगा जो इससे नज़दीक दूरी पर होगा वो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये बात आपको रफ फिगर से अंदाज लगा सकता है ठीक है। तो इस जगह पर ये टेंजेंट ये लाइन का और ये लाइन का स्लोप बराबर करना है हम लोग को ठीक है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट है इलिप्स पर ठीक, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फोर वाई डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया माइनस टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस एक्स बाय टू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे एक्स वन वाई वन पर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वन बाय टू वाई वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस इलिप्स के इस पॉइंट पर ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप अगर देखें जो स्ट्रेट लाइन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है ना, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है, तो इसका स्लोप क्या हो गया लाइन का हो गया माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम देखिए यहाँ माइनस वन है। अब इस दोनों को बराबर कर देते हैं तो माइनस एक्स वन बाई टू वाई वन ये हो गया माइनस वन के, तो यहाँ से हो गया आपका एक्स वन का वैल्यू टू वाई वन ठीक है। ये एक्स वन और वाई वन के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब ये पॉइंट इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस टू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सिक्स, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा फोर वाई वन स्क्वायर प्लस टू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सिक्स, सिक्स वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सिक्स वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है पॉइंट, तो वाई वन का एक ही वैल्यू लेंगे वन, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और वाई वन का वैल्यू वन है तो एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, तो पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों टू और वन, तो आपका ऑप्शन हो गया ए ठीक है। अगला सब नंबर देखते हैं, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू और एक दूसरा लाइन दिया है वाई इक्वल टू एक्स ठीक है। आप अगर आपको कर्व ट्रेस करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप अपने मन से कोई भी कर्व एक खींच लें और ये वाई इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन है आपका वाई इक्वल टू एक्स और ये कर्व मान लीजिए आप एक्स माइनस टू है, इस पर ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स वन वाई वन ठीक है, और यहाँ इसका ये टेंजेंट है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया वन बाई टू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं एक्स वन वाई वन पर, यह हो जाएगा वन बाई टू वाई वन, और इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालिएगा तो हो जाएगा वन, तो y1 का वैल्यू हो गया हाफ क्या ठीक है। अब y1 का वैल्यू अगर हाफ है तो यहाँ से x1 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को ठीक है, तो इस
इससे x1 का वैल्यू निकालते हैं, तो x1 का वैल्यू क्या होगा, y1 स्क्वायर प्लस 2, इस 2 को इधर ले आए बच्चों, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 2, ये होगा 9 बाय 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया हम लोग के पास कर्व पर जो x1 y1 आया यही आया, ये पॉइंट को अगर हम लोग पी बोल दें तो पी का कोऑर्डिनेट आया है 9 बाय 4 और 1 बाय 2, और ये लाइन है x माइनस y इक्वल टू 0। अब यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है आपका x1 y1 और यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो पी एम का वैल्यू होगा मॉड ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो पी एम का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ 9 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 बाय रूट 2, इसका कोफिशियंट का स्क्वायर और इसके कोफिशियंट के स्क्वायर का जोड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर में 7 बाय 4 बाय रूट 2, यानी 7 बाय 4 रूट 2, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों आपका सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 बाय 2 0 एंड द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स है और x 0 से बड़ा ही होगा इसके डोमेन में, ठीक है। और जब ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये जो आपका बन रहा है कर्व, अगर आप इसको स्क्वायर कर दें तो y पर इवन पावर है x एक्सिस के सिमेट्रिकल एक पैराबोला बनेगा और कंप्लीट बनता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर y पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट हम लोग हटा दिए, ठीक है। अब क्या है, एक पॉइंट है 3 बाई टू 0, ये है 0 0 और एक पॉइंट है 3 बाई टू और 0, यहाँ से इसके और इस कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट से होके इस कर्व का जो नॉर्मल है ना, और इस पॉइंट वो इस पॉइंट से होके जाना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेंगे x1 y1, ठीक है, और उसको पास करा देंगे इस इक्वेशन के नॉर्मल को 3 बाई टू और 0 से, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 3 बाई टू 0 एंड द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 1 बाई टू रूट एक्स, और dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे हम लोग x1 y1 पर ये होगा 1 बाई टू रूट x1, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखें तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा माइनस टू रूट x1 आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन खींचे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये नॉर्मल इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो y की जगह 0 और x की जगह 3 बाई टू, तो y की जगह 0 भरे और x की जगह 3 बाई टू भरे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 रूट एक्स वन और प्लस ये इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2 एक्स वन टू दी पावर 3 बाई टू, ये हो जाएगा माइनस वाई वन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक्स वन वाई वन इस कर्व पर है ये पॉइंट, ये वाई वन की जगह पर आप रूट एक्स वन लिख सकते हैं, तो माइनस रूट एक्स वन माइनस 3 रूट एक्स वन प्लस 2 एक्स रूट एक्स वन, ठीक। इसको इधर लाते हैं बच्चों, यहाँ है बराबर और ये माइनस है, इसको इधर लाते हैं तो 2 रूट एक्स वन इज इक्वल टू 2 एक्स वन रूट एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ से
टू रूट एक्स वन और टू रूट एक्स वन खत्म हुआ, तो एक्स वन का वैल्यू हो गया वन। ठीक है, अब एक्स वन का वैल्यू वन है तो वाई वन का वैल्यू भी होगा वन। ये सब वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए पॉइंट ये पी है और ये पॉइंट मान लीजिए कोई क्यू है, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो थ्री बाई टू, यहाँ पर का पॉइंट हो गया आपका वन वन, ठीक है, यहाँ का पॉइंट हो गया वन वन, थ्री बाई टू में वन गया वन बाई टू इसका स्क्वायर, और वन में जीरो गया, तो यानी वन का स्क्वायर वन ही हुआ, तो यहाँ से वन बाई फोर प्लस वन ये हो गया रूट फाइव बाई टू। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बच्चों ए। ठीक, ओके, आप इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कोई कर्व है, ठीक है, उस पर एक पैरामेट्रिक इक्वेशन आप ले लें, ए टी स्क्वायर और टू ए टी होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी की। ठीक है, ये नॉर्मल के इक्वेशन को आप इस पॉइंट से गुजरवा दें तो आपको यहाँ से टी आ जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू आ गया, इसमें डायरेक्ट पुट करें और डिस्टेंस फार्मूला लगा के मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल दिया है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों ये एक सर्कल का इक्वेशन है और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है उसको माइनस हाफ से इंटू कर दीजिए, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा थ्री, और कोफिशियंट ऑफ वाई जो है उसको भी माइनस हाफ से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस फोर। ये हो गया आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट, और इसका रेडियस, इसका स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस, मतलब रेडियस जो होगा आपका ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो रेडियस आपका है वन। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू मांग रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को पहले इसका वैल्यू खोजना चाहिए क्या होने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स वाई, उसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग कंसंट्रेट करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर, तो इसका मतलब है यह है एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर और वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी ये पॉइंट, ये जो एक्स वाई पॉइंट है उसका जीरो जीरो से डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है आपको। तो आप देखिए यहाँ अगर आप जीरो जीरो भरेंगे तो वो पॉइंट इससे बाहर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए ओ, इसका कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका एक्स वाई और इसी से आपका डिस्टेंस चाहिए और वो भी शॉर्टेस्ट चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये अगर मिनिमम होगा तभी उसका लॉग मिनिमम होगा, तो आप इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए ओ पी, ये है बच्चों पॉइंट आपका एक्स वाई। ठीक है, आपको ओ पी का स्क्वायर चाहिए, पहले तो ये निकालना है, तो ओ पी का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप ओ सी देखिए कितना है, ओ सी का लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा फाइव, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा फाइव, और इसका रेडियस है वन यूनिट, तो ये तो है आपका वन यूनिट। ठीक है, तो ओ पी का वैल्यू हो गया आपके पास फाइव माइनस वन यानी फोर, तो ओ पी का स्क्वायर हो गया आपके पास सिक्सटीन। अब यहाँ देखिए इसका मिनिमम वैल्यू मांगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपके पास आया, इसका वैल्यू 16 है और इसका ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका वैल्यू यहाँ 16 आप भर दें तो ये हो जाएगा लॉग 2 और 2 पर 4 पावर यानी 4 लॉग 2 बेस 2 यानी 4 आंसर आ गया मुझे। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर फाइव, P
पी एच के भी ये पॉइंट ऑन द कर्व इतना एक कोई कर्व है ठीक है, और वो पाराबोला है और उस पर कोई पॉइंट है पी एच के, और इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू नियरेस्ट टू द लाइन y इक्वल टू ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू ठीक। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P इज, इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल खींचें तो उसका इक्वेशन क्या होगा ठीक है। ठीक है देखिए इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इसी का स्लोप, इसी के स्लोप के बराबर होगा। इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू एक्स प्लस सेवन, और एच के पर अगर वैल्यू देखें तो dy बाई डी एक्स एट एच के ये हो जाएगा टू एच प्लस सेवन ठीक। अब इस लाइन के का स्लोप अगर देखें तो dy बाई डी एक्स ऑफ लाइन ये हो जाएगा कितना थ्री, और इसको सॉल्व कर लें तो टू एच प्लस सेवन इक्वल टू थ्री, तो टू एच का वैल्यू हो गया माइनस फोर और h का वैल्यू हो गया माइनस टू। अब h का वैल्यू अगर माइनस टू है ठीक है, तो y का वैल्यू निकालते हैं यानी k का वैल्यू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस सेवन एच प्लस टू, और ये हो जाएगा फोर माइनस फोर्टीन प्लस टू, ये हो गया माइनस टेन और प्लस टू माइनस एट ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका आ गया माइनस टू माइनस एट ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए हम लोग को, तो देखिए यहाँ से थ्री एक्स माइनस वाई सबको इधर लाते हैं माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये इस लाइन का इक्वेशन है बच्चों, इस लाइन का। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा इसको पहले आप अच्छे से लिख लें, थ्री एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टू, ये है आपको इस लाइन का इक्वेशन। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा कि इसके कोफिशियंट को इंटरचेंज कर दीजिए आप, माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू के ठीक है। तो इस लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब के का मान मालूम करने के लिए आप इसको माइनस टू माइनस एट से गुजरवा दीजिए, तो माइनस वन इंटू माइनस टू ठीक है माइनस थ्री इंटू माइनस एट इज इक्वल टू के, ये हो गया टू प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू के, के का मान हो गया 26। अब यहाँ से इक्वेशन में भरते हैं माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 26, यानी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 26 इक्वल टू जीरो ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया बच्चों एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 26 इक्वल टू जीरो यानी ऑप्शन बी ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर सिक्स। पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज मिनिमम देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट पी। देखिए एक टू इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, और एक सर्कल का इक्वेशन है सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो ठीक। इस सर्कल का सेंटर अगर देखें तो सेंटर हो जाएगा माइनस थ्री जीरो, और रेडियस अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर माइनस एट यानी रेडियस वन यूनिट ठीक। इस पैराबोला को अगर ड्रॉ करें एक्स पर इवन पावर है, ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा बच्चों ठीक है, और ये एक पॉइंट है माइनस थ्री जीरो सेंटर का, और यहाँ से रेडियस वन यूनिट है ठीक, ये माइनस थ्री जीरो और रेडियस वन यूनिट है। पी भी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर एक पॉइंट है पी, मान लीजिए वो एक्स वन वाई वन है
इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज मिनिमम। देखिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो इस सर्कल के सेंटर से क्रॉस करेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट पी इज। तो देखिए बच्चों, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कोई कर्व है तो इस पर पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है ए टी स्क्वायर टू ए टी होता है, ठीक है। और इसी में यानी एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई अगर हो गया तो इस दोनों को रिवर्स कर दीजिए, एक्स का वैल्यू टू ए टी और वाई का वैल्यू ए टी स्क्वायर। ऐसा वैल्यू लेना है कि एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए। आप यहाँ इसको वैल्यू को भरिए, चार ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, और यहाँ वैल्यू भर दीजिए, चार ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप कैलकुलस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये पॉइंट हम लोग इस पर ले लिए 280 और 80 स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए इस कर्व पर जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है होता है माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80। इस कर्व पर जो होगा वाई की जगह एक्स भर दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80, ठीक है। इस कर्व के लिए नॉर्मल का इक्वेशन यही होता है, तो ये इक्वेशन यहाँ आप बैठा दीजिए। तो ये इक्वेशन हो गया माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80, और इसको माइनस 30 से सॉल्व कर दीजिए, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस 3 वाई का वैल्यू 0 बराबर। यहाँ पर देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, तो ए का वैल्यू 1 है बच्चा, तो ये 0 हो गया। 2a 2 इंटू टी प्लस टी क्यू, तो टी क्यू प्लस 2t प्लस 3 0। ओके, t का वैल्यू देखिए यहाँ से आएगा माइनस 1। आप भी टाइम ट्रायल लगाएंगे, t का वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 0, तो t का वैल्यू आ गया माइनस 1, ठीक है। तो t का वैल्यू अगर माइनस 1 आ गया तो ये पॉइंट देखिए क्या हुआ आपका, x बराबर था 280 और y बराबर था 80 स्क्वायर। a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू माइनस 1, और यहाँ से y का वैल्यू 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू हो गया माइनस 2 और 1। इस पॉइंट पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 2 और 1। अब क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट पी इज। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालेंगे बच्चों क्या होगा, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 4dy/dx इज इक्वल टू 2x, तो dy/dx का वैल्यू हो गया x बाय 2, और x का वैल्यू है यहाँ माइनस 2, ये हो गया माइनस 1 के, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस वाई वन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, तो y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन हुआ अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7 क्या दिया है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये क्या रीजन बताता है बच्चों, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है माइनस 2 प्लस 1 है बच्चों, माइनस 2 प्लस 1, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका हो गया 2 और माइनस 1, ठीक है, और इसका रेडियस है 2 यूनिट। तो इसके अंदर का जो रीजन है ये पूरा, ठीक है, ये और इसके इसका जो सरकमफ्रेंस है
वो इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब यही हुआ, इसके अंदर में जितना भी पॉइंट है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर, इस पॉइंट का, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, माइनस टू और वन, x में माइनस टू और y में वन, अगर इस सर्कल को आप ऐसा रिप्रेजेंट करें, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, तो माइनस टू और वन इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस टू होल स्क्वायर फोर हो गया, और वन भरेंगे तो इसका मतलब ये जीरो से बड़ा हो गया, यानी ये पॉइंट सर्कल से बाहर है, ये हो जाएगा आपका माइनस टू और वन। मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इस, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग सेंटर से पास कराएंगे, ठीक है। और ये दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट तो ये हुआ और दूसरा पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कोई पॉइंट है जो इस रीजन में या इस पर भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट कहीं भी है, मान लीजिए यहीं है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। पहले हम लोग ए ओ निकालें, तो ए ओ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए ओ का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस फोर टू रूट फाइव, 20 का वैल्यू, और इसका रेडियस बच्चों दिया है 2, ठीक है। तो जो ए पी हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओ माइनस आर, यानी टू रूट फाइव माइनस टू। अब हम लोग को चाहिए इसका स्क्वायर, ए पी स्क्वायर ही हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट था आपका ए और ये पॉइंट था आपका पी, अब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सॉरी ये पॉइंट था माइनस टू और वन, बच्चों माइनस टू और वन था, हाँ माइनस टू और वन था। तो यहाँ से देखिए, माइनस टू और वन अगर करेंगे आप तो यहाँ x प्लस टू हो जाएगा बच्चों, x प्लस टू का स्क्वायर, यस ये हो जाएगा x प्लस ए पी का स्क्वायर अगर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस टू का स्क्वायर और प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर। तो बस वही है, x प्लस टू का स्क्वायर और y माइनस वन का होल स्क्वायर, और इतना का वैल्यू है टू रूट फाइव माइनस टू का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखें बच्चों क्या है, सवाल नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है और एक कर्व दिया है एक्स वाई इक्वल टू 9, ठीक। चूंकि स्पेसिफिकली एक कर्व है सर्कल, तो सर्कल का ग्राफ खींचने का कोशिश करेंगे, ये 0 0 हो गया और इसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। और दूसरा एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक। अब बोल रहा है इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग एक्स वन वाई वन, तो ये पॉइंट यहाँ से होके जाएगा, ठीक है। इसको हम दो तरीका से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चों, ये पॉइंट अगर क्यों है तो ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलस के मदद से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो एक्स वाई इक्वल टू 9 है, उस पॉइंट पर हम लोग पहले नॉर्मल का इक्वेशन खींचते हैं, क्योंकि सर्कल के केस में जो इसका नॉर्मल होगा वो सर्कल के सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई इक्वल टू हो गया 9 बाई एक्स, और ये पॉइंट
इसी कर्व पर है, ठीक है। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 9 बाई x1, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा -9 बाई x2, और dy बाई dx का वैल्यू x1 y1 पर ये होगा -9 बाई x1 का स्क्वायर। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा बच्चों वो x1 स्क्वायर बाई 9 आएगा। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन खींचें तो y-y1 = m(x-x1). अब ये नॉर्मल जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा 0, 0 से। तो यहाँ बैठा दीजिए 0 - y1 x1 स्क्वायर बाई 9 और 0 - x1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -y1 = x1 स्क्वायर बाई 9 - x1, और y1 का वैल्यू है 9 बाई x1। तो ये यहाँ से ये माइनस को कैंसिल कर दीजिए, y1 का वैल्यू हो गया 9 बाई x1 = x1³/9। तो यहाँ से हो गया x1 4 का वैल्यू 9 × 9, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हो गया 3। ये ग्राफ से क्लियर दिख रहा है कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो x1 का वैल्यू 3 है तो y1 का वैल्यू भी बच्चों होगा 3, ठीक है। तो अब बस अब कुछ है नहीं, ये पॉइंट आपका आ गया है 3, 3, ठीक है। इसको आप ओरिजिन से मेजर कर लीजिए और उसमें रेडियस माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो PO हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3√2 हो जाएगा, और उसमें ये रेडियस माइनस करेंगे आप तो रेडियस कितना है 1 यूनिट। तो रेडियस है आपका 1 यूनिट, तो PQ हो गया आपका 3√2 - 1, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपका बच्चों बी, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है हमको c², ठीक है, तो इस पर जो एक पॉइंट होगा वो होगा c और c, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप xy = 9 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो पॉइंट जो इस पर आ जाएगा c और c, इस पर एक पॉइंट हो जाएगा जहाँ से इसका मिनिमम डिस्टेंस काउंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बस बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए ही आपको ये पॉइंट आ चुका है 3, 3, और यहाँ से आप इसको इसके सेंटर से पास करा दीजिए 0, 0 से, और इसका रेडियस है आपका 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप निकालेंगे 3√2 - 1, और ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, बोलता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 - x2² + √1 - x1² - 9 बाई x2² होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए और x1 का वेरिएशन 0 से 1 के बीच में और x2 रियल प्लस है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक तरह का डिस्टेंस फॉर्मूला है और इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर एक पॉइंट हम मान लें x1 और ये y1, और एक पॉइंट मान लें x2 और y2, ठीक है। तो AB का स्क्वायर ये होगा x1 - x2² + y1 - y2² स्क्वायर, ठीक है। तो हमको AB का स्क्वायर चाहिए, यही चीज़ है यहाँ। तो x1 और x2 तो क्लियर है, इसका मतलब ये y1 मानते हैं और इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। तो y1 बराबर है 1 - x1² तो यहाँ से देखिए y1 हमेशा पॉजिटिव है, एक सर्कल का हाफ पार्ट है, ठीक है। और दूसरा y2 जो है वो 9 बाई x2 है, यानी ये एक हाइपरबोला है x2 y2 = 9, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरलाइज्ड अगर कर दें तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है y = √1 - x2, और ये एक है xy = 9, ठीक। तो
यहाँ से अगर हम लोग इस सर्कल को देखें तो ये सर्कल हो जाएगा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, उसमें भी ये हाफ पार्ट, हाफ पार्ट इस सर्कल का, क्योंकि यहाँ वाई पॉजिटिव है। इसका सेंटर हो जाएगा बच्चों जीरो जीरो और रेडियस है वन यूनिट और ये है एक हाइपरबोला, ठीक है, ये एक हाइपरबोला है। तो अभी हम लोग देखे थे इस पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा थ्री थ्री, आप इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकता है या शॉर्टकट से भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए ये पॉइंट जो हम लोग को आ गया है P, यानी ये पॉइंट है x2 y2, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q, हम लोग को ये डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये पी ओ पहले निकालते हैं हम लोग, पी ओ क्या होगा, रूट थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर और थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री रूट टू और ओ क्यू का वैल्यू रेडियस है तो वन यूनिट है, तो आपका पी क्यू आ गया पी ओ माइनस ओ क्यू यानी थ्री रूट टू माइनस वन। अब पी क्यू का स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है, आप इसको पी और क्यू मान लीजिए, ठीक है, ओके। पी क्यू का स्क्वायर अगर चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर थ्री रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 18 प्लस वन सिक्स रूट टू 19 माइनस सिक्स रूट टू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10 बोलता है सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, प्लस एक्स वन स्क्वायर बाई 20 माइनस 17 माइनस एक्स टू और एक्स टू माइनस 13 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स वन और एक्स टू है, इसको हम लोग वाई वन और इसको हम लोग टोटल को वाई टू कंसिडर करते हैं। तो पहला इक्वेशन तो हो गया वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाई 20 एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20, एक पैराबोला हो गया, ठीक है। दूसरा देखें तो y2 का वैल्यू है 17 माइनस x2 और x2 माइनस 13, ठीक है। तो यानी यहाँ y2 क्या है, पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करें तो y स्क्वायर y2 के बदले y बैठा देते हैं बच्चों जनरल वैल्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा 17 माइनस x और x माइनस 13, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 17x माइनस 17 इंटू 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17 इंटू 13 कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया 7, ये हो गया 1, 2 टू 1 हो गया, ठीक है, सही है। अब इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 टू 1 इक्वल टू 0, यानी ये सर्कल का सेंटर 15 0 है और रेडियस अगर देखें तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 टू 1 हो जाएगा, यानी हो गया 2 टू 5 माइनस 2 टू 1 यानी हो गया 4 यानी 2, इसका रेडियस 2 यूनिट है, ठीक। और ये एक पैराबोला है, जब x पर इवन पावर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, इसका मतलब ये एक पैराबोला है जो ओपन अप है, ठीक है, ये 0 0 है बच्चों और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 15 0 और इसका रेडियस 1 यूनिट है,
अब इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो आप यहाँ कैलकुलस का भी यूज कर सकते हैं और पैरामेट्रिक इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ए का वैल्यू फाइव आई है, ठीक है। इस पर एक पॉइंट हम लोग मानेंगे टू ए टी और ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए का वैल्यू फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव इंटू टू यानी टेन टी और फाइव इंटू टी स्क्वायर, टेन टी और फाइव टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन कीजिए। y बराबर होता है तो यानी x बराबर माइनस टी वाई प्लस टू ए टी प्लस ए टी, ये नॉर्मल टू द पैराबोला का इक्वेशन। आप इसको डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी आएगा और कोई बात नहीं। x का वैल्यू 15 जीरो आप भर दें तो 15, y का वैल्यू जीरो और यहाँ a का वैल्यू भरेंगे, ये तो जीरो हो गया पूरा, ये टू इंटू ए का वैल्यू फाइव इंटू टी प्लस ए का वैल्यू फाइव इंटू टी क्यू, ठीक है। तो देखिए ये फाइव फाइव और फाइव से ये थ्री बार में कैंसिल हो जाएगा तो थ्री इक्वल टू टू टी प्लस टी क्यू, यहाँ से आ जाएगा टी क्यू प्लस टू टी माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वन, वन और टू थ्री माइन थ्री गया जीरो, तो टी का वैल्यू वन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आया टेन और फाइव, ठीक है, ये पॉइंट टेन और फाइव आया। इसको थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों ऊपर, फिर से इस कर्व को देख लिया जाए, ये कर्व ऐसा है, ठीक है, और ये एक सर्कल है और इस पर पॉइंट है टेन फाइव और ये सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है और ये है फिफ्टीन जीरो, ठीक। ये पॉइंट को मान लीजिए आप पी है, ये है आपका क्यू और ये पॉइंट मान लीजिए आप आर है, आर नहीं इसको कुछ दूसरा पॉइंट मानते हैं बच्चों, एम मान लेते हैं, ठीक है। आपको पी एम चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, ई एम का स्क्वायर चाहिए, देखिए यहाँ स्क्वायर है। तो पी क्यू देखिए, पी क्यू आएगा टेन माइनस फिफ्टीन का स्क्वायर और फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया फाइव का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर यानी फाइव रूट टू हो गया, ठीक है। और इसका रेडियस टू था तो आपके पास पी एम हो गया फाइव रूट टू माइनस टू, ठीक है। अब हम लोग को पी एम का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो पी एम का स्क्वायर जो होगा वो होगा फाइव रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फिफ्टी प्लस फोर माइनस ट्वेंटी रूट टू, फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी रूट टू, ये इसका वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों अगले टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक इससे थोड़ा आसान है। मान लीजिए जो दूसरा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ, मतलब कोई अगर मान लीजिए ऐसा कर्व है, ठीक है, इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हैं और वो वापस कर्व को के ऊपर काट देता है और ये पॉइंट है कर्व पर एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, इस पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे इसमें बहुत ही आसान है कि ये अगर कर्व है आपके पास वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट F पॉइंट P x1 y1, ठीक है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, सॉल्व, और इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, और एक इक्वेशन हो जाएगा आपके पास वाई वन इक्वल टू एफ एक्स वन, क्योंकि ये एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व वन एंड टू एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, इतना ही कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इस कर्व पर एक पॉइंट जो आपको दिया रहेगा, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट का इक्वेशन खींचिए, जो आप लगातार खींच ही रहे हैं अब तक, तो आप इसमें अच्छा इस पर हाथ साफ हो गया होगा आपका। और इस ये पॉइंट इस कर्व पर है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके क्यू का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस टॉपिक पर पहला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये कोई कर्व है, मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट है वन वन, इस कर्व का इक्वेशन दिया है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट है आपका पी, और इस पर जो टेंजेंट खींच रहे हैं इस कर्व को क्यू पर काट रहा है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके। तो ये वन वन पॉइंट पर पहले हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यू इंटू वी फार्मूला से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। वन वन अगर यहाँ बैठा दें तो ये हो जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स, वन बैठाएंगे तो वन इंटू टू टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। एक्स के जगह वन बैठाएं बच्चों, तो ये हो गया दो गुना एक दो गुना माइनस एक माइनस दो, दो में एक गया एक माइनस दो गुना एक प्लस दो में एक गया एक, ये हो गया माइनस टू यानी माइनस वन। फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस वन बाई टू, ठीक। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, तो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। ये हो गया टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ, तो वाई इज इक्वल टू हाफ प्लस वन माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया थ्री बाई टू माइनस एक्स बाई टू, इसका वैल्यू आ गया थ्री माइनस एक्स बाई टू। ये हो गया आपको टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ से एक्स इंटू टू माइनस एक्स का स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आएगा, और ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन सिक्सटीन एक्स और माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा सेवनटीन एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया फोर एक्स क्यूब माइनस सेवनटीन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ सिक्सटीन और सिक्स है ना, ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स एक्स, ठीक। और ये यहाँ से ये हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से एक बार देख लेते हैं बच्चों इसका कैलकुलेशन, नाइन प्लस एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स फोर एक्स यहाँ गया,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, गुना करेंगे फोर एक्स क्यूब, सिक्सटीन एक्स, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ से आ गया माइनस सेवनटीन एक्स स्क्वायर, और सिक्सटीन और प्लस सिक्स ये हो जाएगा ट्वेंटी टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हीट एंड ट्रायल अगर आप लगाएंगे तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा वन। ठीक है, बाईस चार छब्बीस और सत्रह नौ छब्बीस। ठीक है, तो x का वैल्यू वन आ गया तो इसका एक फैक्टर वन है, तो दूसरा फैक्टर लाने के लिए इससे डिवाइड कर दीजिए, सेवनटीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स माइनस नाइन। इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स माइनस नाइन। अब यहाँ से माइनस थर्टीन एक्स बार में गया तो ये हो गया माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ ये कैंसिल हुआ, ये हो गया नाइन एक्स माइनस नाइन, और ये नाइन बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नाइन एक्स माइनस नाइन, और ये माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका एक फैक्टर आया आपके पास एक्स माइनस वन, और दूसरा फैक्टर आया फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन इंटू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन इंटू फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया एक्स माइनस वन इंटू फोर एक्स माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया वन और एक आया नाइन बाई फोर। एक्स जब वैल्यू वन है बच्चों तो यहाँ वन बैठाइएगा तो वाई का वैल्यू भी आएगा वन, है ना। तो ये दोनों ये वैल्यू आएगा। जब एक्स का वैल्यू नाइन बाई फोर आप भरेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा नाइन बाई फोर इंटू टू माइनस नाइन बाई फोर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये नाइन बाई फोर और इंटू वन बाई सिक्सटीन। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल पॉइंट आपके पास आया है, एक पॉइंट आया है वन वन और दूसरा पॉइंट आया है नाइन बाई फोर और थ्री बाई एट। ठीक है, ये पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे बच्चों क्योंकि ये पॉइंट तो यही है, दोबारा जहाँ काटा है वो पॉइंट नाइन बाई फोर और थ्री बाई एट। तो लगभग जितने भी सवाल है बच्चों सब में लगभग यही कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, लगभग क्या यही कंसेप्ट ही चलेगा, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर टू। इक्वेशन दिया है आपको ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, कर्व कुछ वैसा ही रखिए ताकि समझने में आसानी हो, और इस पर एक पॉइंट है आपका ए टी स्क्वायर और ए टी क्यू, और ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, इसका पैरामीटर टी डैश है। ठीक है, इसका पैरामीटर टी डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए टी डैश स्क्वायर और ए टी डैश स्क्वायर और ए टी डैश क्यू। ठीक है बच्चों, अब जो यहाँ से टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो टू ए वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू बैठाएंगे ए स्क्वायर टी फोर होगा, और टू ए वाई का वैल्यू बैठाएंगे तो ए टी क्यू होगा। ए स्क्वायर ए और ए से ख़त्म हुआ, यहाँ से टी क्यू से टी आर में जाएगा तो बच गया थ्री टी वाई टू, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें तो वाई माइनस ए टी क्यू बराबर थ्री टी वाई टू इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। अब ये टेंजेंट
इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह पर भर देंगे ए टी डैश क्यू माइनस ए टी क्यू इज इक्वल टू 3t/2 और x की जगह ए टी डैश स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। यहाँ से ए ए ए ए कॉमन होकर कैंसिल होगा, यहाँ से t1 क्यू टी डैश क्यू माइनस टी क्यू इज इक्वल टू 3t/2 और t1 डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लें तो टी डैश क्यू टी डैश माइनस टी इंटू टी डैश का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी डैश टी माइनस 3t/2 टी डैश सॉरी यहाँ टी डैश यहाँ होगा बच्चों टी डैश प्लस टी इंटू टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन आ जाएगा, टी डैश माइनस टी कॉमन आ गया। इसमें देखें तो 2 से एलसीएम ले लेते हैं, इसमें 2 टी डैश का स्क्वायर 2 टी स्क्वायर 2 टी डैश टी माइनस 3 टी डैश टी माइनस 3 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टी डैश बराबर टी हो नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ से देखिए यहाँ से टी डैश माइनस टी कॉमन आ गया तो ठीक है, यहाँ से आ गया बच्चों 2t² 3t² कैंसिल हुआ 2t होगा बच्चों टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी डैश टी ये 0 हुआ। ओके तो ये हो जाएगा 2t² माइनस टी डैश टी 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 डैश माइनस टी स्क्वायर 0। तो यहाँ से हो गया 2t² माइनस 2t t डैश माइनस प्लस टी टी डैश माइनस टी स्क्वायर 0। यहाँ से 2t कॉमन आया बच्चों और ये आया टी डैश माइनस टी प्लस टी कॉमन आया टी डैश माइनस टी 0। तो यहाँ से आ गया 2t प्लस टी इंटू टी डैश माइनस टी 0। फिर ये ही वाला पॉइंट आ गया, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो टी डैश का वैल्यू आ जाएगा -t/2 यानी ऑप्शन होगा बच्चों डी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3। क्या बोलता है, कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन x = sec²θ और y = cot θ, है ना। अब मान लीजिए ऐसा कर्व है कुछ और इस जगह पर थीटा π/4 रखा गया है, ये पॉइंट है मान लीजिए P और इस जगह पर थीटा है π/4। अब ये कर्व को दूसरा Q पर काट रहा है तो लेंथ पी क्यू का चाहिए। ओके तो यहाँ से देखिए h sec²θ है तो इस जगह पर अगर आप थीटा को π/4 भरें f θ = π/4 x का वैल्यू हो जाएगा sec²π/4 और ये हो जाएगा 2k और y का वैल्यू हो जाएगा cot π/4k यानी 1k। तो इस जगह का पॉइंट जो है वो 2, 1 है, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर देखें तो x = sec²θ है और 1/y हो जाएगा 1/cot θ यानी tan θ के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan²θ का वैल्यू हो जाएगा 1/y² तो x - 1/y² ये हो जाएगा sec²θ - tan²θ के, ये हो गया 1k। तो 1/y² का वैल्यू हो गया x - 1k, यहाँ से y² का वैल्यू 1/x - 1k। तो ये कर्व का आपका
कार्टेशियन इक्वेशन हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स ये होगा माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, वाई का वैल्यू पुट कीजिए वन तो हो गया टू डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा टू तो ये हो जाएगा माइनस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस वन बाई टू, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो होगा वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से आ गया माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, और यहाँ से वाई इक्वल टू हुआ माइनस एक्स बाई टू प्लस टू, यानी फोर माइनस एक्स बाई टू। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ वाई का वैल्यू फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, अब ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि क्यू का कोऑर्डिनेट मिले, तो चार माइनस एक्स बाई दो का होल स्क्वायर बराबर वन बाई एक्स माइनस वन, यहाँ से हो गया एक्स माइनस चार का स्क्वायर बाई चार वन बाई एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स और इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर ज़ीरो। तो यहाँ से हो गया एक्स क्यू और माइनस नाइन एक्स स्क्वायर चौबीस एक्स माइनस बीस ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हीट एंड ट्रायल अगर लगाएं तो पुट करते हैं अगर x बराबर टू, ठीक है x बराबर टू इसमें पुट कीजिएगा तो ये होगा एट, ये होगा थर्टी सिक्स, ये होगा फोर्टी एट और ये होगा ट्वेंटी। तो आप देखिए ये ज़ीरो हो गया, तो और वैसे भी यहाँ से आप देखिए तो x बराबर टू इसका एक रूट है, तो इसका मतलब इसका दूसरा रूट आपको निकालने के लिए इसको x माइनस टू से भाग देना होगा, तो x माइनस टू से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी, और यहाँ से माइनस सेवन एक्स तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स, यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो गया टेन एक्स माइनस ट्वेंटी, और ये अगर टेन बार में आप देंगे तो टेन एक्स माइनस ट्वेंटी हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फैक्टर हुआ, इसका मतलब एक फैक्टर हुआ था इसका एक्स माइनस टू और दूसरा फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, और इतना बराबर ज़ीरो हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये x माइनस टू और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो x माइनस टू और x माइनस फाइव आएगा ज़ीरो, तो x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव हो गया ज़ीरो के, तो x बराबर टू और x बराबर हो गया फाइव। ठीक है, अब x बराबर अगर टू लीजिएगा तो इस इक्वेशन में बैठाइए, एक्स बराबर अगर टू लेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा वन, तो ये पॉइंट तो लेना नहीं है क्योंकि ये पॉइंट यही पी ही है, ये पी पॉइंट ही है। एक्स बराबर फाइव लीजिएगा, फाइव में वन गया फोर और वाई बराबर वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, वाई बराबर वन बाई टू आ जाएगा टू है, और एक पॉइंट और होगा कि एक्स बराबर पाँच लीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये वन बाई टू का यानी वन बाई फोर हुआ है तो एक माइनस वन बाई टू भी होगा। ठीक है, तो क्यू का दो कोऑर्डिनेट है, ये भी है और ये भी है, अब देखना ये दोनों में से है कौन। तो जिस जगह पर ये लाइन काटेगा और ये कर्व काटेगा ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। अब देखिए जब x का मान 5 इसमें रखेंगे तो 5 रखने के बाद यहाँ पर वैल्यू आता है -1/2, यानी ये वाला वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपका ये 5 और -1/2, 5 और -1/2, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व को भी करेगा। यहाँ स्क्वायर है तो 1/4 वाई स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप 5 रखिएगा तो 1/4 आ जाएगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू निकल रहा है, 1/2 और -1/2। अब यही वाला जो दो कोऑर्डिनेट है अगर इसमें x बराबर 5 रखें तो यहाँ -1/2 आएगा, ये वाला वैल्यू +1/2 नहीं आएगा, यानी ये कोऑर्डिनेट आपको लेना है। तो अब 2, 1 और 5 -1/2 आ गया, तो पी क्यू का लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पी क्यू का लेंथ हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर + 1 + 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 9 और यहाँ से हो गया 9/4, ये हो गया 1/2 √45, ये हो गया 3 √5/2, ठीक है, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों बी। ओके अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इक्वेशन है x³ + y³ = pq, इधर टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट इतना, मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है और इस कर्व पर x1 y1 पर टेंजेंट है जो q पर काट रहा है ना, और वो काट रहा है कहां पर, x2 y2 पर। तो प्रूफ करना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ ये दोनों पॉइंट इस कर्व पर है, तो ये दोनों पॉइंट पहले इसको सेटिस्फाई करवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा x1 q y1 q a q, और इतना ही बराबर x2 q और y2 q, x वाले सारे टर्म को एक तरफ लाएंगे तो x1 q - x2 q, यहाँ क्यू है x1 q - x2 q = y2 q - y1 q, यहाँ से x1 - x2 और x1² + x2² + x1 x2, और यहाँ से y2 - y1 × y2² y1² y1 y2। ओके तो यहाँ से देखिए x1² x2² x1 x2 / y1² y2² y1 y2, और इतना का वैल्यू आ गया y2 - y1, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो x2 - x1 आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब P पॉइंट पर अगर डिफ्रेंशिएशन करें P पॉइंट पर, तो 3x² 3y² dy/dx है ना, ये 0 होगा, और यहाँ से y² dy/dx ये होगा -x² के, और dy/dx का वैल्यू हो जाएगा -x² / y² के, और dy/dx एट x1 y1 ये होगा -x² / y1² इस P पॉइंट पर टेंजेंट का ये स्लोप आया, और यही क्या हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1 P पॉइंट पर टेंजेंट y2 - y1 / x2 - x1। अब ये वाला जो वैल्यू ये है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x1² x2² x1 x2 / y1² y2² y1 y2, और एक माइनस पहले से था और एक दूसरा माइनस यहाँ से आया, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं बच्चों,
यहाँ से हो गया ये एक्स वन स्क्वायर बाय वाई वन स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स वन एक्स टू होल इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई वन बाई टू एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर और एक्स वन स्क्वायर वाई वन वाई टू। तो ये टर्म जो है यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। ठीक, सबको लेफ्ट में लेके आते हैं तो एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू प्लस सॉरी दो यहाँ माइनस होगा माइनस दो दो होगा एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई वन वाई टू ये हो गया आपका ज़ीरो। ठीक, इस दोनों को क्लब करते हैं बच्चों तो यहाँ से इस दोनों को क्लब करते हैं या यहाँ से अगर देखें इस दोनों को क्लब करते हैं है ना वाई वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई वन वाई टू प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर ये ज़ीरो। यहाँ से देखिए एक्स वन वाई वन कॉमन आ जाएगा आपके पास एक्स वन और वाई वन ये हो जाएगा वाई वन एक्स टू और माइनस एक्स वन वाई टू प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू और इंटू एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू ये ज़ीरो है। तो यहाँ से देखिए एक्स वन एक्स टू वाई वन एक्स वन वाई टू एक्स टू वाई वन और एक्स वन वाई टू ये कॉमन टर्म है इसको कॉमन निकाल लीजिए एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू कॉमन हो गया अंदर बचा एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको जीरो करते हैं तो एक्स वन वाई टू एक्स टू वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन वाई वन दोनों तरफ एक्स वन वाई वन से डिवाइड मार देते हैं एक्स वन वाई वन बाय एक्स वन वाई वन ये कैंसिल होके हो गया माइनस वन और यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा ये हो जाएगा वाई टू बाय वाई वन प्लस एक्स टू बाय एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन और यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो अब इस टॉपिक का लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। एक कर्व का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू फोर टी स्क्वायर प्लस थ्री और y इक्वल टू एट टी क्यू माइनस वन मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट क्यू। मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये कर्व को यहाँ कहीं काट रहा है क्यू पर। ठीक, ओके, इस पॉइंट का पैरामीटर है टी। मान लीजिए इसका पॉइंट का पैरामीटर है टी और क्यू का पैरामीटर है टी वन। ठीक, तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट में टी की जगह टी वन बैठा देंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू चाहिए, ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इस पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं तो देखिए क्या होगा डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा एट टी और डी वाई बाई डी टी ये होगा ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर बाई एट टी ये हो जाएगा थ्री टी। ठीक, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालें तो वाई माइनस वाई वन वाई वन यही तो एट टी क्यू प्लस वन इन टू बराबर एक्स एक्स यही है और एक्स माइनस एक्स वन करेंगे तो फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री
ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है वो इस पैरामीटर t1 से पास कर रहा है, t1 का मतलब यहाँ x के जगह t1 भर दीजिए और y के जगह इतना भर दीजिए, तो y के जगह अगर आप भरेंगे तो ए टी वन क्यू माइनस वन, ठीक है, और माइनस ए टी क्यू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री टी, और x के जगह डालेंगे आप फोर टी वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, वन से वन कैंसिल, एट कॉमन लीजिए टी वन माइनस टी इंटू टी वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी वन टी, और यहाँ से थ्री टी इंटू फोर कॉमन लीजिए टी वन प्लस टी और टी वन माइनस टी। अब टी वन टी के बराबर है नहीं, वो अलग अलग पॉइंट है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, फोर से ये टू बार में कैंसिल होगा और इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए टू टी वन स्क्वायर, टू टी स्क्वायर टू टी टी वन इज इक्वल टू, यहाँ से थ्री टी बचा, थ्री टी टी वन और थ्री टी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ से आया टू टी वन स्क्वायर प्लस टू टी टी वन माइनस थ्री टी टी वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखें टू टी वन स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस टी टी वन और यहाँ से बचा माइनस टी स्क्वायर जीरो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें तो माइनस टू टी टी वन प्लस टी टी वन माइनस टी स्क्वायर जीरो, टू टी वन कॉमन लें तो टी वन माइनस टी आ जाएगा, टी कॉमन लें तो टी वन माइनस टी आ जाएगा तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से टू टी वन प्लस टी इंटू टी वन माइनस टी ज़ीरो होगा। अब इसको अगर ज़ीरो करें तो टी वन और टी एक ही है तो ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो टी वन का वैल्यू हो जाएगा माइनस टी बाय टू, तो टी वन का वैल्यू हो गया है माइनस टी बाय टू। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है टी वन, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आया है आपके पास फोर टी वन प्लस थ्री और एट टी वन क्यू माइनस वन, अब टी वन की जगह माइनस टी बाई टू भर लीजिए आप, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा क्यू का नया टी के टर्म में फोर इंटू टी स्क्वायर बाय फोर प्लस थ्री और एट इंटू माइनस टी क्यू बाय एट माइनस वन, यहाँ से फोर से फोर कैंसिल, एट से एट कैंसिल, क्यू का नया कोऑर्डिनेट आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टी क्यू माइनस वन, टी स्क्वायर प्लस थ्री और माइनस टी क्यू माइनस वन यानी ऑप्शन डी है बच्चे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और उस पर कुछ सवाल, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बच्चों कि कॉमन टेंजेंट्स ऑन टू कर्व, ठीक है। मान लीजिए कोई कर्व है ऐसा और इस पर आप टेंजेंट डाल रहे हैं और यहाँ भी कुछ कर्व एक ऐसा है, ठीक। ये y इक्वल टू एफ वन एक्स है और ये y इक्वल टू एफ टू एक्स है। जनरली हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में जो आता है सवाल है ना, प्लस टू तक के वाले एग्जाम का जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, इसमें ये दो डिग्री का कर्व ही होता है बच्चों, ठीक है। आपको दो डिग्री का ही कर्व मिलेगा, दो डिग्री का कर्व मतलब पाराबोला सर्कल हाइपरबोला एलिप्स उस टाइप का ही कर्व मिलेगा। तो उसमें आप करेंगे क्या, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, ये लाइन इस पर भी टेंजेंट है और इस पर भी टेंजेंट है। तो इसमें है दो तरीका इस सवाल को बनाने का, कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कर्व पर आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का टेंजेंसी मालूम है तो आप डायरेक्ट ही लगा दीजिए, और नहीं अगर मालूम है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोनों कर्व में y की जगह बैठा दीजिए, कि पुट y इक्वल टू एम वन एक्स एम एक्स प्लस सी
एफ वन एक्स, वाई इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ टू एक्स, ये लगाना है। और पुट करने के बाद वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। जैसे आप इसको लगाएंगे आपको टेंजेंसी का पॉइंट मालूम चला जाएगा या कंडीशन जो भी है वो मालूम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर वेरियस स्टैंडर्ड कर्व में कब कब टेंजेंट होता है, कब क्या होता है, अगर वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मालूम है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, उसके बाद ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस पर कुछ सवाल। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला सवाल है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व इतना और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो जो दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है और इस पर कोई लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इसको टच कर रहा है तो सी का वैल्यू होता है बच्चों ए बाय एम। ठीक है, ये कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो एक पैराबोला है और ये एक हाइपरबोला है। तो मान लीजिए ये एक हाइपरबोला है ऐसा और ये पैराबोला वाई पर इवन पावर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। ठीक है, और वो है एक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर। तो कुछ ऐसा होगा और ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर तो ये कैंसिल हो चुका है, तो ये कुछ ये होगा कॉमन टेंजेंट इसका ग्राफ। आप ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनाने से होता है कि जो पॉइंट आता है उसका एग्जैक्ट रफ आइडिया लग जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं फोर इंटू फोर इंटू एक्स, तो ए का मान फोर हो गया। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं कि दोनों को टच कर रहा है, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का मान हो जाएगा a बाय एम और a है 4 बाय एम। ये लाइन इसको भी टच कर रहा है हाइपरबोला को। हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर। अब इस इक्वेशन को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस 4 बाय एम इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एम एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एम इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिसका डी निकालेंगे, डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए 16 माइनस 16 एम क्यू जीरो, तो यहाँ से एम क्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया बच्चों 1। और m का वैल्यू 1 आया तो c का वैल्यू हो जाएगा 4 बाय m, 4 बाय m यानी 4 बाय 1 यानी 4। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हुआ x प्लस 4। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस फोर यानी ऑप्शन हो गया बच्चों डी। ठीक है, देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो यही टेक्निक है बच्चों कॉमन टेंजेंट के सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, सिमिलर टाइप का ही सवाल टू है बच्चों, देख लेते हैं उसको भी। टू नंबर सवाल है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स यानी फोर इंटू वन इंटू एक्स। ठीक है, और एक हाइपरबोला दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू टू, तो लेट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी कॉमन टेंजेंट टू द बोथ कर्व, देन सी इक्वल टू क्या होगा ए बाय एम और पैराबोला। अब ए का वैल्यू है यहाँ वन बाय एम, ठीक है, तो सी का वैल्यू हो गया आपके पास वन बाय एम।
ओके, तो इक्वेशन हो गया आपके पास एम एक्स प्लस वन बाय, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक्स इंटू एम एक्स प्लस वन बाय एम इक्वल टू टू, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एम एक्स माइनस टू जीरो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एम जीरो। अब इसका डी निकालें तो बी स्क्वायर माइनस फोर गुना एम स्क्वायर गुना माइनस टू एम, ये हो गया जीरो, यानी एट एम क्यूब इक्वल टू वन, तो एम का वैल्यू हो गया बच्चों वन बाई टू। ठीक, तो उस हिसाब से देखें तो सी का वैल्यू हो गया वन बाय वन बाई टू यानी टू। तो इक्वेशन हो गया एम एक्स हाफ एक्स प्लस सी का वैल्यू टू, तो यहाँ से सॉल्व अगर करें टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, तो टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर यानी ऑप्शन हो गया आपका बी, टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर थ्री, तो स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पाराबोलास इतना इतना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू है फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू है माइनस थर्टी टू वाई। ठीक है, तो इस कर्व पर देखें तो मान लेते हैं कॉमन टेंजेंट क्या है, कॉमन टेंजेंट जो है वो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस कर्व के लिए अगर देखें तो ए का मान वन है, ए का मान वन है, तो यहाँ से सी का मान क्या होगा ए बाय एम, इस इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का मान ए, ए का मान वन, वन बाय एम। ठीक है, अब ये इक्वेशन को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू और वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस वन बाय, तो यहाँ से हो गया माइनस थर्टी टू एम एक्स माइनस थर्टी टू बाय एम, सबको लेफ्ट में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एम होल इंटू एक्स प्लस थर्टी टू बाय एम इज इक्वल टू जीरो, तो डी निकालें बी स्क्वायर थर्टी टू एम का होल स्क्वायर माइनस फोर गुना वन इंटू थर्टी टू बाय एम जीरो। ठीक है, ओके, यहाँ से अगर आप देखिए यहाँ से थर्टी टू का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू थर्टी टू बाय एम जीरो, तो एक थर्टी टू कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से थर्टी टू एम स्क्वायर माइनस फोर बाय एम जीरो, तो यहाँ से एम क्यूब इज इक्वल टू वन बाई एट हो गया, एम का वैल्यू हो गया हाफ, तो सी का वैल्यू हो गया टू के और ए का वैल्यू वन था और एम का वैल्यू हाफ, तो लाइन का इक्वेशन हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स यानी हाफ एक्स प्लस टू, टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो यहाँ आपसे मांग रहा था स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप तो आपका हाफ ही हो गया तो आगे बढ़ने का काम ही नहीं था, तो ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर चार, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट देखिए ये दिया हुआ है माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक सर्कल का इक्वेशन है बच्चों, एंड पाराबोला एक दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों किसी सर्कल पर कोई लाइन अगर टच करता है कोई भी लाइन, तो करते क्या है हम लोग, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है अल्फा बीटा और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ये है रेडियस और ये पॉइंट है मान लीजिए एम। ठीक है, ये पॉइंट है एम, तो सी एम का वैल्यू हो जाएगा रेडियस के और वो बराबर होगा मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पर टेंजेंट। ठीक है, ए का वैल्यू तो यहाँ से वन ही है फोर इंटू वन इंटू एम, तो सी का वैल्यू हो गया ए बाय एम यानी वन बाय एम, इस लाइन का इक्वेशन हो गया एम एक्स प्लस वन बाय एम।
ठीक। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस वन एंड एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है और ये सर्कल पर भी टेंजेंट है। तो ये सर्कल का सेंटर अगर देखें, ये हो गया इक्वेशन आपका एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस सर्कल का सेंटर देखें, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा थ्री और जीरो और रेडियस हो जाएगा थ्री। ठीक, तो रेडियस थ्री है तो थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ, हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड इतना यानी एम चाहिए हम लोग को। तो थ्री का वैल्यू हो गया, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर जाइए, एक्स की जगह पर थ्री डाल मिल जाएगा थ्री एम स्क्वायर, ये जीरो हो गया प्लस वन डिवाइड बाय, यहाँ से हो जाएगा एम फोर प्लस एम स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे तो नाइन इंटू एम फोर प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर प्लस वन का फोर स्क्वायर, यहाँ से हो गया नाइन एम फोर नाइन एम स्क्वायर, यहाँ से हो गया नाइन एम फोर वन प्लस सिक्स एम स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एम का वैल्यू जो हुआ एम स्क्वायर का वन बाई थ्री, एम का वैल्यू हो गया प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला इतना आ रहेगा। ठीक है, एम का वैल्यू अगर वन बाय रूट थ्री आप लेंगे एम का वैल्यू, तो सी का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री। इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये एक इक्वेशन आया रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो आपका ऑप्शन डी ही हो गया क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है, एक बार माइनस लेके देखेंगे तो हो सकता है कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है बच्चों, फाइव नंबर। इफ द टेंजेंट 17 टू द कर्व इतना, एक पैराबोला दिया हुआ है और वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो मान लीजिए एक पैराबोला है इस तरह का, उसके किसी पॉइंट 17 पर, मान लेते हैं पी पॉइंट है 17, टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सी, मान लेते हैं कहीं टचेस द सर्कल इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स टचेज द सर्कल इतना। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, ये हमको लगता है दो बार लिखा गया है एक ही चीज, टचेज द सर्कल यहाँ होगा बच्चों। ठीक है, ये तो वो एक पैराबोला है आपके पास, है ना, ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स टचेज द सर्कल इतना। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एट माइनस सिक्स और ये इसका रेडियस है आर, आर का वैल्यू हो जाएगा 64 36 माइनस सिक्स माइनस सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 100 माइनस सी, ये हो जाएगा रेडियस का वैल्यू। ओके, द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 यानी माइनस एट माइनस सिक्स। ठीक, अब देखिए इस कर्व, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को 17 से डिफरेंशिएशन का यूज करके इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लाना होगा। तो यहाँ से देखिए y माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2x, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 17 पर ये हो जाएगा 2, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखें
तो y माइनस वाई वन, ए वाई वन है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस सेवन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, तो y का वैल्यू हो गया 2x प्लस फाइव। इक्वेशन टेंजेंट का हो गया 2x माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये टेंजेंट का इक्वेशन है ये वाला 2x माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब ये टेंजेंट है तो इस पर ये जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू आपके पास है 100 माइनस सी, और यहाँ से इसमें माइनस एट माइनस सिक्स अगर आप भरेंगे तो मॉड ऑफ माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन माइनस वाई इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा और प्लस फाइव। माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस सिक्स और प्लस फाइव बाय रूट फाइव। इसका कोफिशियंट का स्क्वायर और इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास ये हो गया टेन माइनस टेन प्लस फाइव, यानी फाइव बाय रूट फाइव, यानी रूट फाइव हो गया हंड्रेड माइनस सी का रूट। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हंड्रेड माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, हंड्रेड माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा फाइव, तो सी का वैल्यू हो गया बच्चों नाइन्टी फाइव, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन। तो इस टॉपिक में हम लोग आज का जो वीडियो था बच्चों उसमें तीन टॉपिक हम लोग देखें, तीनों टॉपिक पर जिस तरह का भी सवाल दिखाया गया आपको उस हर तरह के सवाल पर आप और भी प्रैक्टिस कीजिए अपने पैकेज से टेक्स्ट बुक से, और ज़्यादा इसमें जो है दम दिखाइए, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से तोड़ सकें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ये टेंजेंट नॉर्मल का लास्ट टॉपिक था, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।